लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। नीतीश के बेहद खास माने जाने वाले मंत्री अशोक चौधरी के भूमिहार वाले बयान के बाद बीजेपी और जेडीयू की दूरी बढ़ गई। बीजेपी ने नीतीश कुमार के मंत्री अशोक चौधरी को चेतावनी दी, करारा जवाब दिया और कहा कि इस तरीके के नेता जो जातिवाद करते हैं, जाति पर सवाल उठाते हैं, वैसे नेता ना तो अपने जमात के हितैषी हैं और ना ही राष्ट्र के हितैषी हैं। ना अपने ही जाति के नेता हैं, ना तो अपनी जमात की बात कर पाते हैं और ना ही राष्ट्र के हितैषी है। भूमिहार का मतलब है जो भूमि से जुड़ा रहता है, जो भूमि के बारे में जानकारी रखता है, और भूमिहार पर सवाल उठाना बेहद गलत है। भूमिहार कोई जाति नहीं बल्कि एक संस्कृति है। ये बात बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता विजय सिन्हा ने कहा है। विजय सिन्हा ने अशोक चौधरी को करारा जवाब दिया और कहा कि आप संभल जाइए, इस तरीके के नेता ना तो खुद अपने जमात के होते हैं और ना ही राष्ट्र के होते हैं। आप सुनिए विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है। अब इस तरह के बयान तो हम सुने नहीं हैं, लेकिन भूमिहार जाति नहीं है, एक कल्चर है। और यह कल्चर भूमि से जुड़ने का, जमीन पर रहने का और जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। इस तरह के मानसिकता कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं रख सकता, क्योंकि सबकी एक ही जाति है, वह जाति मानव जाति है। और मानवता की रक्षा के लिए सबको मिलकर के काम करना चाहिए, सबको सम्मान करना चाहिए। आपने देखा कि साफ तौर पर विजय सिन्हा अशोक चौधरी को करारा जवाब देते नजर आए और कहा कि इस तरीके के नेता तो हितैषी होते ही नहीं है, ना तो जमात के हितैषी होते हैं और ना ही राष्ट्र के हितैषी होते हैं। बताते चले हम आपको कि अशोक चौधरी ने जहानाबाद में भूमिहार को लेकर विवादित बयान दे दिया था। उन्होंने कहा कि भूमिहार कैंडिडेट होता है तो वोट देते हैं ये लोग, लेकिन अगर कोई अति पिछड़ा कैंडिडेट सामने रख दे तो ये लोग विरोध कर देते हैं। भूमिहार जाति के लोग वोट नहीं देते, मैं जातिवाद नहीं करता, लेकिन नीतीश कुमार के फैसले का ये लोग बहिष्कार करते हैं। वो नेता जो मद्रास, मुंबई या दूसरे शहरों में है, अभी भूमिहार जाति के नेता अगर वो चाहते कि विधानसभा में उसका चल जाएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। मेरे नेता की इन लोगों ने बात नहीं मानी, अति पिछड़ा कैंडिडेट को ये लोग नहीं जिताए, ये लोग अपनी जाति के लिए सिर्फ खड़े रहते हैं, नीतीश कुमार के साथ खड़े नहीं रहते। और इस विवादित बयान के बाद बिहार भर के भूमिहार एकजुट हो गए हैं और खुद बीजेपी के भूमिहार नेता ने अशोक चौधरी के इस बात का जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है और अशोक चौधरी को बड़ी चेतावनी दी है। और अब बीजेपी ने भी अशोक चौधरी को कहा कि आप तो ना अपने जमात के हितैषी हैं और ना ही राष्ट्र के हितैषी हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।